हेलो स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट एनालिसिस का थर्ड लेक्चर है हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे जनक फलन। जनक फलन क्या होगा कि कोई भी जो संख्याक फलन, दैट मीन्स मतलब संख्याक फलन का मतलब है न्यूमेरिक फंक्शन। ठीक है, न्यूमेरिक फंक्शन है। जैसे न्यूमेरिक फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, अगर आपको इसको देखना है तो ऊपर आई टैब बटन पर जाके आप पीछे के दो वीडियो देखें, जिसमें शो करते हैं ए आर से। तो ये जो संख्याक फलन है इसको लिखते हैं ए जीरो, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए आर। ठीक है, अगर इस संख्याक फलन को हम एक इनफाइनाइट सीरीज में शो कर दें, इनफाइनाइट सीरीज में अगर हम शो करें, तो जो फंक्शन जो बनेगा है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर इसके ऐड करें और लाइक दैट इसको ऐसे लिखें, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब अप टू सो ऑन ए आर एक्स की पावर आर, आगे डॉट डॉट ये है। अगर इस फॉर्म में हम इस संख्या फलन, दैट मीन्स न्यूमेरिक फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर दें, तो ये जो फंक्शन जो बनेगा उसको बोलेंगे जनक फलन, और जनक फलन को कहते हैं जनरेटिंग फंक्शन, जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो आप जनरेटिंग फंक्शन ये हो जाएगा, तो जो जनरेटिंग फंक्शन आएगा वो उस संख्याक फलन के लिए जनरेटिंग फंक्शन होगा, और इसको हम जी ऑफ एक्स के द्वारा शो करेंगे। तो जी ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए आर एक्स की पावर आर। तो इसको शॉर्ट में लिखें तो सिग्मा आर जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा ए आर एक्स की पावर। यहाँ आर जीरो टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स हमें ये पता है कि जो संख्याक फलन होता है वो होल नंबर हम रखते हैं और हमें रियल नंबर में उसके वैल्यू मिलती है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके लिए हम इसका जनक फलन निकालेंगे, दैट मीन्स एग्जांपल है। ठीक है, एग्जांपल लिखते हैं हम एक, तो एग्जांपल हम लिखते हैं कि संख्याक फलन है। ठीक है, एग्जांपल है संख्याक फलन, ये हमें दे रखा है थ्री की पावर जीरो, थ्री की पावर वन, थ्री की पावर टू अप टू सो ऑन, ये चलता जा रहा है थ्री की पावर आर अप टू सो ऑन। देन यहाँ पे हमें ये दे रखा है, इसके लिए हमें एक जनक फलन निकालना है। तो जनक फलन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एक इनफाइनाइट सीरीज की फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले ये जो संख्याक फलन है इसको हम लिख लेते हैं, दैट मीन्स ये जो संख्याक फलन होगा ये क्या हो जाएगा ए आर, ए आर क्या हो जाएगा थ्री की पावर आर। दैट मीन्स ये थ्री से रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर पावर जीरो वन टू थ्री फोर अगर हम रखें तो ये क्या हो जाएगा एक संख्याक फलन बन जाएगा। और यहाँ जो आर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगी, इक्वल और ग्रेटर देन जीरो होगी। तो हमें इसका जनरेटिंग फंक्शन जी ऑफ एक्स बनाना है। तो जी ऑफ एक्स बनाने के लिए अभी हमने देखा जी ऑफ एक्स क्या होता है, जो संख्याक फलन दे रखा होता है उसको एज इट इज लिखते हैं और उसमें एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की पावर आर ये गुणांक हम, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा थ्री की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर वन एक्स प्लस थ्री की पावर टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 थ्री की पावर आर डॉट एक्स की पावर आर प्लस डॉट। तो ये एक इनफाइनाइट सीरीज हो गई जिसका हमें जनरेटिंग फंक्शन बनाना है। अब देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो थ्री की पावर जीरो, इसकी वैल्यू वन होती है, ये क्या हो गया थ्री एक्स हो गया, ये क्या बन गया थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस अप टू सो ऑन, ये आ गया थ्री एक्स की पावर आर। अब आप जानते हैं, हम जानते हैं एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है, वन माइनस एक्स की पावर माइनस एन का एक्सप्रेशन जो होता है, अगर हम इसको एक्सपांड करें तो ये क्या हो जाता है, अगर एन होता है तो वन प्लस पावर जितनी है, पावर एन की जगह माइनस वन रखते हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, इस हिसाब से ये चलता जाता है एक्स की पावर आर। तो यहाँ अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ x है और यहाँ x की जगह कितना है 3x, तो ये जो g ऑफ x बन जाएगा, g ऑफ x क्या हो जाएगा
वन एज इट इज एक्स की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 3x और पावर में कितना जाएगा माइनस वन। तो अगर आगे इसको सिंपलीफाई करें तो यहाँ से जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसको अगर राइट डाउन करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 3x। तो ये इसका जनरेटिंग फंक्शन होगा किसके लिए, इस संख्या फलन, दैट मीन्स ये जो न्यूमेरिक फंक्शन है इसका जो जनरेटिंग फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 3x। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें, अगर हमारा संख्याक फलन, पहला पॉइंट, अगर संख्याक फलन ए आर जो है वो ये दे रखा है, मान लेते हैं ए आर हमें दे रखा है 3r+4 वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका जो संख्याक फलन होगा दैट मीन्स जनरेटिंग फंक्शन जो होगा जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इस फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे क्या हो जाएगा 3r, और 3r को हम क्या लिखते हैं 1/1 माइनस 3x, और ऊपर आ जाएगा 3r/4/1 माइनस 3x। तो अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा 81/1 माइनस 3x। तो इसका जो जनरेटिंग फंक्शन होगा ये होगा। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमारा संख्या फलन जैसे ये दे रखा है ए आर इक्वल टू 2r, और यहाँ जो r है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसके लिए जो जनरेटिंग फंक्शन बनेगा, इसका जो जनरेटिंग फंक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 3 था यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 था, जब 3 है तो 3 आ रहा है, 2 है तो 2 आ जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x। ऐसे ही अगर एक एग्जाम्पल से और समझें, अगर संख्या फलन हमें ये दे रखा है, दैट मीन्स न्यूमेरिक फंक्शन हमें इस फॉर्म में दे रखा है 2r+5r, तो इसके लिए जब हम संख्या दैट मीन्स जनरेटिंग फंक्शन बनाएंगे, तो जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट, इसको एक न्यूमेरिक फंक्शन ट्रीट करेंगे और इसको एक न्यूमेरिक फंक्शन ट्रीट करेंगे। तो इसके लिए न्यूमेरिक फंक्शन के लिए जनरेटिंग फंक्शन बनाएंगे और इसके लिए भी जनरेटिंग फंक्शन बनाएंगे। तो ये जो जी ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, पहले 2r के लिए क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 2x, अब बीच में प्लस है तो प्लस, देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1 माइनस 5x। नेक्स्ट एक और टाइप अगर हम ले, मान लेते हैं अगर हमें ये दे रखा हो संख्या फलन, जैसे हमें ये दे रखा है ए आर दे रखा है हमें 1r, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, या हमें ये दे रखा हो 1 1 1 1 1 up to so on, ये चलता जा रहा है। तो ये क्या है, एक न्यूमेरिक फंक्शन है, इसके लिए हमें जनरेटिंग फंक्शन बनाना है। तो gx क्या हो जाएगा इसका 1 as it is, यहाँ देखो यहाँ क्या है 1, यहाँ 2 था तो 2 आ रहा है, 3 है तो 3 आ रहा है, 5 है तो 5 आ रहा है, यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x। इसको हम यूज करेंगे काफ़ी जगह, तो इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। नाउ अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम समझते हैं कि कोई हमें न्यूमेरिक फंक्शन दे रखा होता है तो उसका जनरेटिंग फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4 up to so on infinity जा रही है, दैट मीन्स ये एक हमारा क्या है, न्यूमेरिक फंक्शन है, इसका हमें जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। तो जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। तो वी नो दैट, हमें पता है अगर हमारा संख्याक फलन दैट मीन्स न्यूमेरिक फंक्शन इस फॉर्म में हो 1 raised to power r एंड r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए जो जनरेटिंग फंक्शन होता है वो क्या होता है 1/1 माइनस x। अब ये 1/1 माइनस x है, तो अगर इसका जनरेटिंग फंक्शन लिखें तो ये जो ए आर है वो कैसा दे रखा है 1 1 1 1 up to so on, ये चलता जा रहा है। तो इसके लिए हम इसका जनरेटिंग फंक्शन बनाते हैं, जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 अप टू सो ऑन एक्स की पावर आर। तो ये जो है अगर हम इसको लिखें तो ये इसी की फुल फॉर्म है, तो हम जानते हैं इसका जो एक्सप्रेशन होता है ये किसका एक्सप्रेशन है, ये 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का है। तो हम इसको लिख लेते हैं भाई, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 अप टू सो ऑन एक्स की पावर आर, और हम इसको लिखते थे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये हमें पता है, हमें निकालना है इसका जनरेटिंग फंक्शन। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 आई, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन 1। दैट मीन्स इक्वेशन 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर इसका अवकलन करते हैं तो 1 का क्या हो जाएगा 0, x का क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा r x की पावर r माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसका करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले इसका करेंगे इसका अपॉन में पावर है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट, फिर इस एक्स का हो जाएगा तो ये माइनस 1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। देन अब क्या करें, इसको वापस लिख लेते हैं, 0 प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 r x की पावर r माइनस 1 प्लस डॉट 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 1 अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन 2 आई, इक्वेशन 2 इसको हम कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय x होल इक्वेशन को। तो जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 0 ही आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा x, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये आ गया 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ x मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 1 कैंसिल हो जाएगी r x की पावर r, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब अगर हम देखें ये जो शुरुआत वाली टर्म है इसमें हम क्या लिख दें, 0 x की पावर 0 प्लस इसको लिख दें 1 डॉट x की पावर 1 2 x स्क्वायर 3 x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस r x की पावर r, प्लस ये क्या आ गया x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। अब आगे अगर देखें तो हमारा जो क्वेश्चन था, अगर इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन बनाना है तो इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसका जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट टर्म थी इनको एज इट इज हम लिखते हैं, 0 यहाँ जो जितना होता है वो पावर में चला जाता है, एक्स की पावर 0 प्लस 1 आया तो एक्स की पावर 1, 2 है तो एक्स की पावर 2, 3 है तो एक्स की पावर 3 अप टू सो ऑन ये चलेगा। तो ये टर्म आप यहाँ देखें और हमने जो सोल्व किया ये देखें, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन था इसका जो जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अतः अनुक्रम 0, 1, 2, 3 के संगत जनक फलन क्या हो जाएगा इसका, x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सपोज करो एक क्वेश्चन और होता हमारे पास जिसका हमें जनक फलन निकालना है, तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है। तो ये जो जनक फलन आता है ये मान लो इसका निकालना होता आपको
कि 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये चलता जाएगा। इसका हमें जनक फलन निकालना है। तो इसका जनक फलन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर दे रखा है हमें पता है किसका, यहाँ से कि हमें पता है वी नो दैट, वी नो दैट क्या हो जाएगा कि ये जो 1, 2, 3 इन इसका हमें जनक फलन निकालना है। तो इसका जनक फलन निकालने के लिए हमें पता है वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन 4, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, इसके लिए जो जनरेटिंग फंक्शन है वो क्या है, अभी हम देखें यहाँ तो देखो क्या है 1, 2, 3 अप टू सोन, तो इसका क्या है x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 0 ले लेते हैं शुरुआत में, इनिशियल में 0 ले लेते हैं। तो इसका जो जनरेटिंग फंक्शन होगा उसको हम वापस राइट डाउन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 0x की पावर 0 प्लस 1x की पावर 1, 2x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा, ये क्या आ गया x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, ये जो इक्वेशन आई 1, इसको 1 दे देते हैं, इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर यहाँ करेंगे तो इसको तो रहने देते हैं, इसको लास्ट में वापस अपन 0 अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे, तो यहाँ 1 का इस x का करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ करेंगे तो ये 2 into 2x, ये आ जाएगा 3 into 3x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा, और यहाँ करेंगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के हिसाब से इसका होगा। तो सबसे पहले क्या, न्यूमरेटर एज इट इज, सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस x स्क्वायर, और न्यूमरेटर का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1 माइनस फिर x एज इट इज, और इसका करेंगे का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है ठीक है, तो यहाँ इसका करेंगे तो ये होल स्क्वायर आएगा, सॉरी तो ये क्या आ जाएगा 2, यहाँ लिख देते हैं, चलो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का कर देंगे तो 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, फिर इसका करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 into 1 minus x into, फिर x का होगा तो ये माइनस का 1 अपॉन में इसका पावर 4 की पावर 4। अगर हम यहाँ देखें, इसको अगर हम देखें तो ये क्या आ गया इस साइड में हमारा 1 1, और ये आ गया 2 का स्क्वायर x प्लस ये आ गया 3 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये चल रहा है। इसको यहाँ देखें तो इसमें से 1 माइनस x स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस x कॉमन आ रहा है, और नीचे पावर 4 है तो कट के नीचे पावर 3 बचेगी, 1 माइनस x की पावर 3। जब यहाँ से 1 माइनस x हमने कॉमन लिया तो बचा क्या 1 माइनस x, और यहाँ से 1 माइनस x कॉमन लिया तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, ये क्या बचेगा प्लस का 2x। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2x में से x गया तो ऊपर बचा x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x की पावर 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो जाएगा, अब ये जो इक्वेशन थी इसके बोथ साइड हम x मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वायर x स्क्वायर 3 स्क्वायर x क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये चलता जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x into x plus 1 अपॉन में 1 माइनस x की पावर 3। अब अगर आप देखें इस इक्वेशन के पहले, अगर मैं ये लिखूं 0 इंटू एक्स की पावर 0, यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा
वन का स्क्वायर करें या कुछ भी करें, वन ही आता है। तो अगर हम देखें जनरेटिक फंक्शन क्या था हमारा, जिसके लिए न्यूमेरिक फंक्शन जीरो का स्क्वायर, तो ये लो जीरो का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, उसके साथ पावर एक वन आती है, तो ये अप टू सो ऑन। तो ये जो फंक्शन होगा इसके कोरिस्पोंडिंग जो जनरेटिंग फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो जब भी क्वेश्चन आए तो हम उसको इस टाइप से सोल्व करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर सोल्व होगा। आगे देखते हैं हम। तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है कि न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है किसकी हेल्प से, जनरेटिंग जो फंक्शन है यानी जनक फलन की सहायता से हमें न्यूमेरिक फंक्शन पता करना है। तो क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है जी ऑफ एक्स, हमें दे रखा है 1 + x³ अपोन में 1 - x⁴। यानी हमें ये जो जनरेटिंग फंक्शन दे रखा है इसके कोरिस्पोंडिंग हमें क्या निकालना है, न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है। तो न्यूमेरिक फंक्शन निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, ए आर निकालना है कि ए आर हमारा क्या हो जाएगा। तो ए आर निकालने के लिए अब क्या करेंगे, हमें ये जो फंक्शन दे रखा है सबसे पहले हम इसको एक्सपांड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो होता है। तो देखो आपको मैं बता देता हूँ, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा, 1 + x⁴ अगर n हमें दे रखा है तो ये होता है 1 + nx + n ((n-1) अपॉन में फैक्टोरियल 2, अपॉन में फैक्टोरियल 2 x² + n((n-1) (n-2) डिवाइड में फैक्टोरियल 3 x³ + डॉट डॉट डॉट, ये चलता जाएगा। प्लस अगर आर्थ टर्म मेरे को लिखनी है तो ये क्या हो जाएगा, n (n-1) (n-2) अप टू सो ऑन चलेगा, n-r-1 अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल r x⁴r, अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग अब जो हमारा जो gnx है, gx जो दे रखा है इसको ओपन करेंगे। तो gx क्या हो जाएगा, सबसे पहले gx को राइट डाउन कर लेते हैं, ये आ गया 1 + x³ और ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 1 - x⁴। तो ये जो एक्सप्रेशन था उसमें एन की जगह हम -4 रखेंगे, एन की जगह -4 रखेंगे, और ये जो एक्स था यहाँ प्लस का था, यहाँ क्या है माइनस का, तो एक्स की जगह माइनस रखेंगे, तो माइनस माइनस मिलके ओवरऑल प्लस हो जाएगा यहाँ भी। तो ये जो फंक्शन होगा इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, हम लिख देते हैं, तो 1 + x³ एज इट इज, आगे क्या हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन ओपन करना है, तो 1 की जगह 1, फिर एन की जगह -4 और एक्स की जगह -x, तो माइनस माइनस मिलके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x। फिर क्या आ जाएगा, प्लस एन की जगह -4, -4 और n-1, -4 - 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 4.5, और नीचे जो फैक्टोरियल 2 है इसको हम लिख सकते हैं 1.2, और ये आ जाएगा x². ऐसे ही अगर आगे हम लिखें तो यहाँ 4, 5, 6 हो जाएगा, और ये माइनस का तो ये भी प्लस का हो जाएगा, 4, 5, 6 अपॉन में 1, 2, 3 x³ + डॉट डॉट चलता जाएगा। आगे अगर हम चलें तो इसमें यहाँ लिखते हैं प्लस क्या हो जाएगा 4, 5, 6 अप टू सोन, ये चलेगा r + 3 अपोन में क्या हो जाएगा 1, 2, 3 अप टू सोन r तक, यानी हमें इसको r तक ओपन करना है यहाँ। तो अगर आप यहाँ r तक ओपन करोगे देन इसमें ये जो +3 चल रहा है शुरुआत के 3 छोड़ते हुए, तो ये +3 आ जाएगा अपॉन में r, और ये पावर में कितनी आ जाएगी x⁴r + डॉट डॉट डॉट, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम इसमें,
ये जो टर्म है एक बार, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार एक्स की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो क्या हो जाएगा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या करना है कि यहाँ जितने भी जो कोफिशियंट्स बनेंगे एक्स की पावर में उनको लिखना है। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ये आ जाएगा 1 एज इट इज, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4x हो जाएगा, प्लस ये टर्म 4.5 अपॉन में 1.x² प्लस। अब देखो जब 1 इस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4.56 अपॉन में 1.23, और ये एक्स क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कोफिशियंट आएगा, तो दोनों में से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 4.56 अपॉन में क्या हो जाएगा 1.23 एक्स क्यूब। ऐसे ही प्लस एक टर्म और लिखते हैं तो आगे जाएगा ये एक्स की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x की पावर 4, 4x की पावर 4, और ये इसके आगे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 4.567 अपॉन में 1.234x की पावर 4, ऐसे ही चलता जाएगा। प्लस डॉट 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 यहाँ इसको चलाएं प्लस। अब हमें देखना है एक्स की पावर आर का कोफिशियंट, तो ये जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये एक्स की पावर आर है, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके पीछे वाली तीसरी टर्म लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ आर माइनस 3 होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऐसे कैसे, एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर आर माइनस 3 से, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, 3 माइनस 3 0 हो जाएगी तो एक्स की पावर आर। तो यानी क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो आर है इसकी जगह आर माइनस 3 रखना पड़ेगा, आर माइनस 3 रखेंगे तो ऊपर तो आर आएगा और नीचे आर माइनस 3, तो ये आ जाएगा 4.56 डॉट डॉट आर अपॉन में 1.23 चलते जाएंगे आर माइनस 3 ये, तो प्लस। अब ये जब 1 मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 1, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी एक कोफिशियंट आएगा जो कि क्या हो जाएगा 4.56 आर प्लस 3 अपॉन में 1.23 अपॉन में क्या आ गया आर, और ये किसका कोफिशियंट है, एक्स की पावर आर का, और ये इधर चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब जब भी आपको इसका न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है तो न्यूमेरिक फंक्शन निकालने के लिए हमेशा आपको एक्स की पावर आर का कोफिशियंट लेना है। तो एक्स की पावर आर का कोफिशियंट क्या है, ये तो आ जाएगा देयर फोर न्यूमेरिक फंक्शन कोरिस्पॉन्डिंग टू जी एक्स, दैट मीन्स अतः जी एक्स के संगत संख्याक फलन, दैट मीन्स न्यूमेरिक फंक्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द जी एक्स। तो जी एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग संख्या फलन निकालने के लिए हम एक्स की पावर आर का कोफिशियंट लेंगे, तो एक्स की पावर आर का कोफिशियंट ये है, तो हम इसको लिखेंगे ए आर से, ए आर क्या हो जाएगा, ये एज इट इज हम इसको राइट डाउन कर देंगे 4.56 अप टू सो ऑन आर 1.23 डॉट आर माइनस 3, प्लस ये आ जाएगा 4.56 आर प्लस 3 अपॉन में 1.23 डॉट आर, हमें कोफिशियंट चाहिए इसमें। अब इन दोनों में जो टर्म कॉमन है वो कॉमन हम बाहर ले लेंगे, तो अगर यहाँ देखें ये आ जाएगा 4.56 आर तक और अपॉन में आर माइनस 3 तक कॉमन है आर माइनस 3, तो यहाँ क्या, ये तो पूरी टर्म एज इट इज कॉमन आ गई, तो ये तो बाहर हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म तो कॉमन आ गई, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 प्लस, यहाँ देखें आर से आर तक कॉमन लिया तो आर के बाद में आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस 3 ये बचेगा इधर, आर प्लस 1
आर प्लस टू आर प्लस थ्री, अपॉन में क्या बचा, यहाँ आर माइनस थ्री हमने ले लिया तो यहाँ बचेगा आर माइनस टू, आर माइनस वन और आर, ये कॉमन बच गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो टर्म बनेगी, ठीक है, ये नीचे तो फैक्टोरियल ये आ जाएगा फोर फाइव सिक्स डॉट डॉट आर, ये जो नीचे जो है ये हो जाएगा फैक्टोरियल, जैसे अगर मैं बोलूँ वन टू थ्री फोर, ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल फोर, ऐसे ही वन टू थ्री फोर फाइव, ये क्या हो जाता है फैक्टोरियल फाइव। तो अगर यहाँ देखें वन टू थ्री आर माइनस थ्री तक जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल आर माइनस थ्री, ऐसे ही इसको सोल्व करें तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा आर आर माइनस वन आर माइनस टू, और यहाँ क्या हो जाएगा आर आर माइनस वन आर माइनस टू प्लस, ये हो जाएगा आर प्लस वन आर प्लस टू और ये आ गया आर प्लस थ्री। और इसमें अगर ऊपर नीचे वन टू थ्री वन टू थ्री, यहाँ भी वन टू थ्री मल्टीप्लाई करें तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन अप टू आर तक, तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल आर, और ये आ जाएगा इसको लिख देंगे वन टू थ्री को फैक्टोरियल थ्री। और ये जो आर आर माइनस वन आर माइनस टू अगर इसमें ऐड करते हैं तो आपको पता है फोर फैक्टोरियल थ्री क्या हो जाता है फैक्टोरियल फोर हो जाता है, फाइव फैक्टोरियल फोर क्या हो जाता है फैक्टोरियल फाइव। तो जब इसमें आर माइनस टू ऐड करेंगे तो ये आर माइनस टू फैक्टोरियल हो जाएगा, फिर आर माइनस वन हो जाएगा, तो ये तीनों अगर इसमें ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल आर। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करके जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे यहाँ ऊपर आएगा टू आर की पावर थ्री प्लस थ्री आर स्क्वायर प्लस थर्टीन आर प्लस सिक्स, यानी आपको इसको मल्टीप्लाई करना है आर प्लस वन को आर प्लस टू को आर प्लस थ्री को, और यहाँ आर आर माइनस वन आर माइनस टू को मल्टीप्लाई करके जब हम इसको सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो फैक्टोरियल आर से फैक्टोरियल आर कैंसिल, तो बचा क्या है यहाँ पे फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू वन बाई सिक्स, ब्रेकेट में आ जाएगा टू आर की पावर थ्री थ्री आर स्क्वायर प्लस थर्टीन आर प्लस सिक्स, तो ये ए आर की वैल्यू आई, तो जो ये वैल्यू आई यही हमारा क्या हो जाएगा न्यूमेरिक फंक्शन हो जाएगा इसका, जो हमें जी एक्स दे रखा था उसका जो न्यूमेरिक फंक्शन आएगा वो ये आएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम उसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जनरेटिंग फंक्शन हमें दे रखा है जिसका आपको न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है, सोल्व करना है, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि जनरेटिंग फंक्शन से लीनियर रिकरेंस रिलेशन को हम कैसे उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। Watching this video.